हाय मेरी YouTube फैमिली, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल जूहीज ब्यूटी वर्ल्ड। और आज मैं लेके आई हूँ ग्रे हेयर सोल्यूशन। जी हाँ, आजकल हर एज में बालों का सफ़ेद होना एक नॉर्मल सी बात हो गई है। हर किसी के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, चाहे कोई भी एज हो। तो अगर आपके भी बाल सफ़ेद हो रहे हैं और आप अपने बालों में कोई केमिकल इफेक्ट नहीं देना चाहती, आप अपने बालों को कलर इसलिए नहीं करती क्योंकि कलर में अमोनिया पाया जाता है, और आप अपने बालों को सफ़ेद भी नहीं रखना चाहती, सो डोंट वरी, परेशान मत होइए। इस प्रॉब्लम का भी सलूशन मैं लेके आ गई हूँ। आज मैं बताने वाली हूँ कि आप अपने बालों को बिना किसी केमिकल इफेक्ट के नेचुरली रूप से आप अपने बालों को काला कर सकते हैं। थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है क्योंकि ये 2-स्टेप रेमेडी है। और हमारा फर्स्ट स्टेप है, हम अपने बालों में मेहंदी अप्लाई करेंगे, और सेकेंड स्टेप है, हम इंडिगो पाउडर लगाएंगे। तो चलिए हम बता दें कि हम कैसे कैसे रेमेडी बनाएंगे। बट हाँ, वीडियो को इंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं वीडियो के इंड में आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी कि आपको मेहंदी लगाते टाइम और इंडिगो पाउडर लगाते टाइम क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो प्लीज़ वीडियो को इंड तक ज़रूर देखें। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। तो यहाँ मैंने आजकल देखा कि मेरी भी साइड में एक दो बाल हैं, ध्यान से आप देखिएगा, जो कि सफ़ेद हो गए हैं। तो इनको मैं कलर करने के लिए, नेचुरली रूप से कलर करने के लिए चल रही हूँ, मेहंदी अप्लाई करूँगी, और कैसा रिजल्ट आता है वो आप लोग खुद देखिएगा। तो सबसे पहले हम ले लेंगे एक लोहे की कढ़ाई या फिर तवा। यहाँ पे मैंने लोहे का तवा लिया है इसलिए क्योंकि लोहे में आयरन पाया जाता है और ये हमारे बालों के लिए बेनिफिशियल होता है। तो यहाँ मैंने तवा ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें एक नॉर्मल टेबल स्पून की हेल्प से, यहाँ पे मैंने ले लिया है मेहंदी। आप किसी भी ब्रांड की मेहंदी ले सकते हैं, या फिर अगर आपको नेचुरल मेहंदी मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, आप नेचुरल मेहंदी ले सकती हैं। तो यहाँ आप अपने बालों के लेंथ के हिसाब से मेहंदी ले सकती हैं। तो मैंने एक नॉर्मल स्पून से 4 टेबल स्पून मेहंदी ले लिया है। और इसके बाद हमारा जो सेकेंड इंग्रेडिएंट है वो है आंवला पाउडर। आंवला पाउडर अगर आप अपने बालों को काला करना चाहती हैं तो ये आपके लिए एक बेस्ट रेमेडी का काम करती है। तो आप आंवला पाउडर ज़रूर ट्राई करें जब भी मेहंदी लगाएं। तो यहाँ पे मैंने घर की बनाई हुई आंवला पाउडर लिया है। आप चाहे तो मार्केट से भी ले सकते हैं, बहुत सारे ऑनलाइन भी मिलते हैं, बट अगर मैं प्रीफर करूँगी अगर आप घर पर बना सको तो आप घर पर बना लें। तो मैंने ये घर पर आंवला पाउडर बनाया है। तो मैं 2 टेबल स्पून आंवला पाउडर ले लेती हूँ। आंवला पाउडर लेने के मैं यहाँ पे कॉफ़ी पाउडर ले रही हूँ क्योंकि कॉफ़ी पाउडर एक नेचुरल हेयर कलर को वापस लाने में हेल्प करता है। तो कॉफ़ी मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ग्रे बालों को वापस ब्लैक करने में हमारी मदद करेगी। तो मैं यहाँ 1.5 टेबल स्पून कॉफ़ी पाउडर ले रही हूँ। इसके बाद मैं इन सबको अच्छे से मिक्स करूँगी, और मिक्स करने के बाद मैं लेती हूँ चाय पत्ती को उबाल कर उसका पानी, जिसे इसका प्रोसेस भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले एक बर्तन ले लिया है, उसमें मैंने इस नॉर्मल स्पून से 2 टेबल स्पून मैंने चाय की पत्ती और आधे गिलास से थोड़ा ज़्यादा मैंने पानी लिया है, और इसको मैंने गैस पे रख दिया है। और मैं इसे करीब 5 से 7 मिनट के लिए बॉयल कराऊंगी। जब पानी की मात्रा आधी हो जाए तब मैंने इसे छान के ले लिया है। तो अभी चाय पत्ती की पानी को मैं इसमें मिक्स करूँगी। चाय की पत्ती के पानी मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये भी हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। बट आप चाहे तो चाय की पत्ती का पानी या फिर कॉफ़ी, दो में से किसी एक को भी ले सकते हैं अगर आपके पास दोनों अवेलेबल ना हो। अगर दोनों अवेलेबल हो तो आप दोनों ले सकते हैं, नहीं तो इन दोनों में से आप किसी एक को ट्राई कर सकते हैं। चाय कॉफ़ी ले लीजिए या चाय पत्ती की पानी ले लीजिए। तो यहाँ मैंने दोनों लिया है। अब मैं इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से मिक्स करके इसका पेस्ट बनाऊँगी। तो जैसे कि मेरा पेस्ट बन गया है, बट मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ये सूखा है, मैं थोड़ा सा इसमें और पानी मिक्स करूँगी। तो इसकी कंसिस्टेंसी हमें एकदम दही के फॉर्म में रखना है, जैसे दही रहती है उसी कंसिस्टेंसी में रखना है। मतलब इतना कि अगर हम अपने बालों में लगाएं तो वापस ये गिरे ना, अच्छे से लग जाए। तो इस हिसाब से मैंने इसे दही की जैसी इसकी कंसिस्टेंसी रख लिया है। और अब हमारा हिना पैक रेडी हो गया है। बट हमारे यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट और नोट करने वाली बात यह है कि हमें अपने बालों में तुरंत हिना नहीं लगाना है। हम क्या करेंगे, अब इस पैक को मैं ओवरनाइट के लिए रख दूँगी। आप चाहे तो पूरी रात के लिए रख दें, और नहीं तो कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए रख दें। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर आप ओवरनाइट के लिए रख देंगे तो जो हमने लोहे का तवा लिया है इसका जो आयरन है
वो मेहंदी अच्छे से सोक्ड करके अब्जॉर्ब कर लेगी और हमारे बालों में मेहंदी के साथ साथ आयरन की भी मात्रा आ जाएगी, तो हमारी मेहंदी एक अच्छी ब्लैक कलर की रेडी हो जाएगी। तो मैंने यहाँ ओवरनाइट के लिए इसे रख दिया है और ओवरनाइट हो चुका है। अब मैंने मेहंदी को ले लिया है और आप देख सकते हैं कि मेरी मेहंदी काली हो गई है क्योंकि आयरन की मात्रा इसने अब्जॉर्ब कर लिया है और मेहंदी बहुत अच्छे से ब्लैक कलर में बदल गई है। तो हम इसे अब अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अब हम चलते हैं इसे अपने बालों में लगाने के लिए। बट उससे पहले हम अपने बालों को अच्छे से कॉम कर लेंगे जिससे हमारे बाल में जो टैंगल्स है, जो उलझ हो, वो सब ठीक हो जाए और बाल एकदम नॉर्मल रहे। क्योंकि अगर आपके बाल उलझे रहेंगे तो मेहंदी लगाने के बाद आपके बाल वॉश करने के टाइम शायद ज़्यादा झड़ सकते हैं। तो हमेशा जब भी आप मेहंदी लगाएं तो अपने बालों को पहले कंघी कर लें। तो मैंने अपने बालों में कंघी कर लिया है और अब मैं अपने बालों में मेहंदी लगाऊंगी। तो मेहंदी लगाने के लिए सबसे पहले मेरे जिस साइड के बाल थोड़े सफ़ेद दिख रहे थे मैं वहाँ पर अच्छे से मेहंदी लगाऊंगी और इसी तरीके से थोड़ा आराम से, बहुत जल्दी नहीं करना है क्योंकि हमें अच्छे से मेहंदी पूरे बालों में लगाना है। तो थोड़ा टाइम देना है, तो थोड़ा टाइम दे के अपने बालों में अच्छे से मेहंदी लगाएं। जब सामने के बालों में आप अच्छे से मेहंदी लगा लें, तो मैंने यहाँ पे एक दुपट्टा लगा लिया है, आप भी ऐसे लगा लेना ताकि आपके कपड़ों में मेहंदी ना लगे। इसके बाद मैं अपने बालों के लेंथ में आराम से पूरे मेहंदी लगाऊंगी और लेंथ में भी लगाने के बाद मैं अपने बालों को बैक करके पीछे साइड के भी बालों में अच्छे से मेहंदी लगाऊंगी। और जब टोटल ओवरऑल मेहंदी लग जाएगा तो मैं अपने बालों का एक बन बना ले रही हूँ, आप देखिए। और बन बनाने के बाद आप इसे किसी भी प्लास्टिक कवर से अपने बालों को कवर करके रखिए और इसे मिनिमम 2 आवर्स तक आप रखिए। 2 आवर्स के बाद आप अपने बालों को नॉर्मल पानी से वॉश कर लें। वॉश करने के बाद आप शैम्पू मत अप्लाई करिएगा, आपको सिर्फ नॉर्मल पानी से वॉश करना है। इसके बाद जब हम अपने बालों में इंडिगो पाउडर लगाएंगे, इंडिगो पाउडर हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि हिना लगाने से हमारे जो बाल सफ़ेद हैं वो रेड कलर में चेंज हो गए हैं। अब उस रेड कलर के ऊपर अगर हम इंडिगो पाउडर लगा लेंगे तो ये नेचुरली ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ इंडिगो पाउडर लेंगे। इंडिगो पाउडर हम उतना ही लेंगे जितने बाल हमारे सफ़ेद हैं, ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि हमें पूरे बालों में इंडिगो पाउडर नहीं लगाना है। अगर आप पूरे बालों में इंडिगो पाउडर लगाएंगे तो आपके बाल ड्राई हो जाएंगे, तो इसलिए आप उतना ही इंडिगो पाउडर लगाइए जितने आपके बाल सफ़ेद हैं। तो मैं यहाँ इंडिगो पाउडर ले रही हूँ। इसके बाद गुनगुने पानी से इसे अच्छे से इसका पेस्ट बनाएंगे और पेस्ट को ना ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है, एक मोटा सा पेस्ट बनाना है। और इसके बाद हम अपने बालों में अप्लाई करेंगे। तो मैं अपने बालों के सामने के बाल जहाँ पे मेरे बाल सफ़ेद हैं वहाँ पे अच्छे से अप्लाई करूँगी। अप्लाई करने के बाद बालों का बन बना के इसे आप कवर करके रख ले और इसे मैक्सिमम 2 आवर्स के लिए आप रख लीजिए। उससे आपको कम भी नहीं रखना है, उससे ज़्यादा भी नहीं रखना है। 2 आवर्स के लिए आप रख दीजिए। 2 आवर्स के बाद अपने बालों को आप नॉर्मल पानी से वॉश कर ले। तो मैंने अपने बालों को वॉश कर लिया है और रिजल्ट आप खुद देख सकते हैं कि मेरे जो ब्लैक हेयर हो गए हैं, ग्रे हेयर जो थे भी, वो भी अच्छे से ब्लैक हेयर में कन्वर्ट हो गए हैं। तो आप मेरे बालों को अच्छे से देख सकते हैं, आपको एक भी ग्रे हेयर नज़र नहीं आएंगे। तो अब हम बात करते हैं अपने टिप्स पे। तो हमारा टिप्स नंबर 1 है कि जब भी आप अपने बालों में मेहंदी लगाएं, बालों को पहले से ही शैम्पू से वॉश करके रखें, आपके बाल क्लीन होने चाहिए। तो टिप्स नंबर 2 है कि जब भी आप अपने बालों में मेहंदी लगाएं तो आपके बालों में श्योर रहिए कि पहले से ऑयल ना हो और मेहंदी में भी आप ऑयल का यूज़ ना करें। अगर आप अपने बालों को, सफ़ेद बालों को कलर करने के लिए मेहंदी लगा रहे हैं तो, क्योंकि अगर आपके बालों में तेल लगा रहता है या फिर मेहंदी में कलर रहता है तो हमारे बाल पे मेहंदी का रंग अच्छे से नहीं चढ़ता। और टिप नंबर 3 हमारा है कि आप अपने बालों में हिना लगाने के बाद बालों को थोड़ा गीला रहने पे ही वॉश कर ले, एकदम से बालों में सूखने न दे मेहंदी। क्योंकि अगर आपके बाल में मेहंदी अच्छे से सूख जाएंगे तो वो हमारे बालों की नमी को खींचने लगता है। तो आप अपने बालों को थोड़ा सा गीला रहने पर ही वॉश कर ले। हमारा टिप्स नंबर 4 है इंडिगो पाउडर के लिए। आप अपने बालों में जब भी इंडिगो पाउडर लगाएं उससे पहले हिना पहले से ही लगाए रहे तभी इंडिगो पाउडर अप्लाई करें, क्योंकि इंडिगो पाउडर हमारे सफ़ेद बालों को काला करने का काम करता है और ये तभी करता है जब हमारे बाल पहले से ही रेड रहे। तो मेहंदी हमारे बालों को, जो सफ़ेद बाल है, उसे रेड कर देता है, उसके बाद इंडिगो पाउडर उस पर वर्क करता है, उन बालों को काला कर देता है। तो आप जब भी अपने बालों में इंडिगो पाउडर लगाएं उससे पहले बालों में मेहंदी ज़रूर लगा लें। अब हम अपना बात करते हैं टिप्स नंबर 5। तो टिप्स नंबर 5 हमारा है कि इंडिगो पाउडर आप हमेशा जो बाल आपके सफ़ेद हैं उतने पर ही लगाएं, पूरे बालों में इंडिगो पाउडर न लगाएं।
क्योंकि ये आपके बालों के नमी को अब्जॉर्ब कर लेता है और बालों को ड्राई कर देता है। तो उतने बाल पर ही लगाएं जितने बाल आपके सफ़ेद हुए हैं। और हमारा टिप्स नंबर 6 है कि इंडिगो पाउडर लगाने के बाद अपने बालों में आप 2 दिन तक कोई ऑयल और शैम्पू का यूज़ ना करें, क्योंकि इंडिगो पाउडर को समय लगता है हमारे बालों में रंग लाने के लिए, 2 से 3 दिन का टाइम लगता है। तो इसलिए अपने बालों को नेचुरल हवा में सूखने दें। 2 से 3 दिन तक अपने बालों में ना आप ऑयलिंग करें ना ही आप शैम्पू करें। 2-3 दिन के बाद अपने बालों में आप ऑयलिंग कर लें, उसके बाद आप शैम्पू कर सकते हैं। तो अगर आप इन सब टिप्स को फॉलो करते हुए हीना अप्लाई करेंगे और इंडिगो पाउडर अप्लाई करेंगे तो ये डेफिनेटली आपके ऊपर वर्क करेंगे और आपके ग्रे हेयर ब्लैक हेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, और चैनल पे अगर पहली बार विजिट किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।